सभी लोग जानते हैं, देश की सभी राजनीतिक दलों में शायद सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला दल अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के हमारे चुनाव समय समय पर हमारे संविधान के अनुकूल होते रहे और पूरी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, मतदाता सूची बनती है और फिर चुनाव का शुरुआत होता है। बूथ के बाद मंडल का, मंडल के बाद जिले का, जिले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव और कार्य समिति का चुनाव होता है। परंतु ये वर्ष सदस्यता अभियान का भी वर्ष है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैसे देखे तो 20वीं सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा, क्योंकि देश की कई राज्य सरकारें और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है इस मंत्र के साथ काम में जुटा। ढेर सारे गांवों में, चाहे गरीबों के घर पे मदद पहुंचानी हो, अन्न पहुंचाना हो, जिनके कोविड के लक्षण देखे गए हैं उनको टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाना हो, जिनका कोई नहीं था उनकी शुश्रूषा से लेकर अंतिम संस्कार तक, सारे कोविड की महामारी की गतिरोध को पार करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नड्डा जी ने उस कठिन काल के अंदर एक वाइब्रेंसी के साथ संगठन को सेवा के काम में जोड़ा। और मैं तो आप सबको आग्रह करता हूं कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है सेवा ही संगठन है इस सूत्र का, उसको आप जरूर देखें तो आश्चर्यजनक तरीके से एक राजनीतिक दल का संगठन किस प्रकार से महामारी में सेवा कर सकता है उसका ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा जी के अध्यक्षता में देश के सामने रखा, दुनिया के सामने भी रखा। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट
प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए, हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी, इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया, और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन्य सैन्य उभर कर आ रहे हैं। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हमारी सरकारें तो बनी थी, परंतु संगठन का विस्तार बाकी था। नड्डा जी की अध्यक्षता में हमने उत्तर पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में संगठन को नीचे पहुंचाने में हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। गोवा में भी हम हैट्रिक लगाकर तीसरी बार और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए। जैसा आप सब जानते हैं, गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार की योजनाओं और सरकार के कार्यक्रम और विशेषकर किसान कल्याण के कार्यक्रमों को हर किसान तक, हर जन जन तक पहुंचाने में श्री नड्डा जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, इसमें से 73 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तेलंगाना, बंगाल में एक शानदार माहौल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर में बीडीसी के इलेक्शन हो या देश भर में हुए स्थानीय इकाई के चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने यश प्राप्त किया है। उनके नेतृत्व में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 1,30,000 बूथों को मजबूत करने का भी काम किया गया। लोकसभा प्रवास योजना बनाकर हर कार्यकर्ता को लोकसभा प्रवास योजना के अंदर जोड़ा। हर घर तिरंगा को भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जन जन तक पहुंचाने के साथ ही राष्ट्रभक्ति को और तिरंगा के सम्मान को हर जन के मन में पुनः जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सेवा ही संगठन और मोदी जी के जन्मदिन को जोड़कर सेवा का पखवाड़ा, ये दोनों कार्यक्रम, सेवा ही संगठन, ये कोविड के वक्त कार्यक्रम लिया गया, और सेवा पखवाड़ा निरंतर भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उनको नीचे तक पहुंचाने में बहुत बड़ी कामयाबी नड्डा जी के नेतृत्व में हुई है। मन की बात को भी जन का कार्यक्रम बनाने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कार्यक्रम बनाया, इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत, इन दो अभियान हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे, इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद।